हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग क्लासिफिकेशन जो अपने हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स है वो पढ़ रहे थे। इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन शुरू किया था कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी कि संख्या के आधार पर हम लोग हाइड्रोजन जो डेरिवेटिव उनको कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन होंगे तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा, और बाकी दो से ज्यादा वालों को हम पोली जो है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो पढ़ा था CX बंध की प्रकृति पे। तो वो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो आपका हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नेचर कैसा है। तो उसके नेचर के हिसाब से हम लोगों ने देखा था दो प्रकार के, एक हमारा था sp3 टाइप का और एक हमारा था sp2 टाइप का, जिसमें से हमने उन्हें sp3 शुरू किया था। अब sp3 वाले में आप लोगों ने शुरू किया कि sp3 जो युक्त यौगिक है इसके अंदर आप लोगों ने शुरू किया, एक आपने पढ़ा 1 डिग्री, एक आपने पढ़ा 2 डिग्री, एक आपने पढ़ा 3 डिग्री। 1 डिग्री मतलब जो कि जो वाला जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है वो अदर एक के साथ ही जुड़ा होना चाहिए, दैट इज 1 डिग्री। अगर जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है अगर वो दो अदर के साथ जुड़ा है, यानी कि दो अदर के साथ जुड़ा है ना, भाई हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा और ये कार्बन है कितने कार्बन से है, दो, तो ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री। फिर अगर हम बात करें इधर इसकी, तो इसके अंदर क्या था कि जिसके साथ में हाइड्रोजन परमाणु अटैच है वो अदर किसने कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, 3 कार्बन के साथ जुड़े होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने पढ़े थे। अगर इनके नाम की बात करो तो आप इनका नाम भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन है और इसको क्या बोलते हैं, एथेन, 2 कार्बन के लिए हम लोग एथेन यूज करते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोएथेन। और इसके अंदर क्या है, 2 नंबर की पोजीशन पे इधर से करोगे तो 1 2 3, 2 नंबर की पोजीशन पे क्या आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, 2 क्लोरो, और क्या आ जाएगा, 3 नंबर, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। ये साथ तो 10th में आप लोगों ने पढ़ लिया और 11th में भी डिटेल से है। नोमेनक्लेचर इस साल आपके है नहीं है तो पूरा हम डिटेल से इसको नहीं पढ़ेंगे, फिर भी है कुछ दिक्कत तो मैं आपको जरूर बता सकती हूँ, है क्या, अब मुझे कैसे पता चलेगा, फिर भी जो दिक्कत हो तो आप उनसे बता दीजिएगा, नोमेनक्लेचर हम बता देंगे। बट नॉर्मली नोमेनक्लेचर आपके इस साल तो है नहीं चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन वाले में ही है जो नोमेनक्लेचर है वो अदर टाइप के हैं, वो इनसे कुछ रिलेटेड नहीं करते। ठीक है, तो और इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप क्या करोगे, 1 2 और 3 इस टाइप से कर लो, चाहे 1 2 3 ले आओ। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 पे ही क्या जुड़ा है, मैथिल, और 2 पे ही क्या जुड़ा है, क्लोरो, 2 मैथिल 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मैथिल, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की है तो प्रोपेन। ठीक है, तो ये आप लोग क्या कर लोगे, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन है sp3 टाइप से। अब इसमें हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया, अब दूसरे हमारे जो आते हैं वो हमारा एक और आता है, एक तो इसके अंदर आते हैं एलाइलिक, और एक हमारे आते हैं इसके अंदर बेंजोइक। देखो एक चीज पहले बता देती हूँ, हिंदी में नाम लिखने पे तो एलाइलिक हैलाइड लिखा जाता है, बट प्रोनंसिएशन एलाइलिक होता है। तो अगर मैं एलाइलिक बोल जाऊं इंग्लिश में तो एलाइलिक बोल जाऊं, दैट मीन्स एलाइलिक हैलाइड, और इसका बेंजाइलिक हैलाइड होता है तो आप बेंजाइलिक बोल जाऊं तो बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, अंडरस्टैंड दैट। तो एलाइलिक हैलाइड के बारे में अगर हम देखें तो इस हैलाइड के अंदर क्या होता है कि जो कार्बन होता है, जो हैलोजन होता है, हैलोजन जो होता है वो किससे जुड़ा रहेगा, sp3 संकृत कार्बन से। ये तो बात हम लोग की पहले शोर होगी कि हम लोग sp3 में इसका पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हैलोजन sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो एलिलिक के अंदर क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले जो कार्बन होता है, यानी कि मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके पास वाले कार्बन को बोलते हैं एलिलिक कार्बन। ये क्या है, कौन सा कार्बन बोलते हैं इसको,
कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन एलिलिक कार्बन, तो इसके ऊपर अगर हैलोजन जुड़ा है तो ये हो जाएगा आपका एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या होगा? अब अगर हम बात करें, देखिए तो इस कार्बन की अगर आप संकरण की बात करो, तो इस कार्बन के संकरण क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है। अगर दो हाइड्रोजन लगाओगे तो दो हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से ही बनेंगे। इसमें एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके अंदर भी दो हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखना अच्छे से, कैसे लिखोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और X, यही होगा कि नहीं होगा? यही तो है ये। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिलिक कार्बन कहते हैं। अब इस कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड कहेंगे, ठीक है ना, एलिलिक हैलाइड कहेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना कि जिससे हैलोजन जुड़ा है उसका संकरण तो sp3 ही है, हमें आगे से मतलब ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा है उसका नेचर कैसा है। तो जिससे हैलोजन जुड़ा है उसका संकरण कैसा है? sp3। आगे भले इसका sp2 और sp2 हो, इन दोनों का sp2 है क्योंकि ये डबल बॉन्ड से बंधे हैं दोनों, तो डबल बॉन्ड से है तो इसका मतलब sp2 होगा। बट इस कार्बन का देखो ना, इस कार्बन पे तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही है, दो हाई सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इसका संकरण क्या है? sp3। और एक बात देख लेना, इसके अंदर जो 1 डिग्री 2 डिग्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये वाले आते हैं। इनका स्पेशली बाय नेम से ही आ जाता है कि एलिलिक हैलाइड के बारे में बताइए तथा उसका संरचना सूत्र लिखिए, बेंजीलिक हैलाइड के बारे में बताइए, वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। ये चारों हैलाइड, चार हैलाइड है, दो इसके अंदर आएंगे, दो sp2 के अंदर आएंगे। चारों हैलाइड को अच्छे से देख लेना। अब चारों हैलाइड के नाम और इनकी संरचना पूछी जाती है, और साथ में ये भी पूछा जाता है कि इसके अंदर हैलोजन जो परमाणु है वो कौन से संकरण से जुड़ा होता है। तो एरिलिक की बात करेगी तो हैलोजन जो परमाणु है वो sp3 संकरित कार्बन से क्या होता है? जुड़ा होता है। संरचना सूत्र की अगर आप बात करो तो इसका संरचना सूत्र होता है C डबल बॉन्ड C, पास वाला C उस पे X, यही होता है इसका, और इस पे दो और इस पे एक और इस पे दो। इस प्रकार से इसका क्या बनता है? संरचना सूत्र बनता है, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई? एलिलिक हैलाइड की, ठीक है। एलिलिक हैलाइड के अंदर जैसे कि मान लो मैंने दे दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH। अब ये देखो, तुम लोग ये सोचो, हमें देखना है, आपको ज्यादा ज्ञान लगाना ही नहीं है, ज्यादा कुछ देखना नहीं, बस आपको ये देखना है हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है। हैलोजन जुड़ा इस कार्बन से, ओके। इस कार्बन का संकरण क्या है? सारे अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा। देखो सारे सिंगल बॉन्ड है क्या? इधर भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है, सारे सिंगल है, इसका मतलब sp3, ठीक है। अब आपको ये देखना है sp3 तो हो गया। अब आपको आगे जाना है, आगे देखोगे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर जिससे हैलोजन जुड़ा है उसके पास वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो वो कार्बन कैसा हो जाएगा? एलिलिक कार्बन। और वो हैलाइड कैसा हो जाएगा? एलिलिक हैलाइड, ठीक है। तो एलिलिक हैलाइड के अंदर क्या होगा आपका कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसके पास वाले कार्बन का जो संकरण होगा वो डबल CH2 होगा, उनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो ये हमारी बात हो गई किसकी? एलिलिक हैलाइड की। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेंजीलिक हैलाइड की। नेक्स्ट बात हम लोग किसकी कहते हैं? बेंजीलिक हैलाइड की। तो इसके अंदर भी हैलोजन जो होता है, इसके अंदर भी जो हैलोजन जो है वो किससे जुड़ा होगा? sp3 संकरित कार्बन से, यही तो होगा। इसके अंदर भी हैलोजन sp3 संकरित कार्बन से ही जुड़ा रहेगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि जो हैलोजन परमाणु है, हैलोजन जो परमाणु होता है, देखो मैं आपको इसको बता देती हूँ पहले, इसके अंदर भी sp2 बट इसका नाम बेंजीलिक है। इसका मतलब बेंजीन रिंग जो कि एरोमेटिक होती है, एरोमेटिक यौगिक से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। यानी कि हैलोजन जो परमाणु है वो एरोमेटिक यौगिक, या आप बोल सकते हो बेंजीन, बेंजीन एरोमेटिक ही होती है, बेंजीन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है,
समझिए, हैलोजन जो परमाणु है वो बेंजीन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि बेंजीन से नहीं जुड़ता, बेंजीन से जुड़ा जो कार्बन है जो sp3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन कार्बन, ध्यान से देखना, इन कार्बन पे सभी कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर इनके स्ट्रक्चर बनाते तो ऐसे बनाते ना, ये बनाते हो तो इसपे भी डबल बॉन्ड है, 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 इसपे भी और इसपे भी, यानी कि जितने भी कार्बन है सबका संकरण क्या है, sp2 है। सबका ही संकरण क्या है, sp2 है। बट अगर आप इसकी बात करो तो इसका देखो ना, हमें तो ये देखना हैलोजन किसके साथ जुड़ा है, बाकी जो जुड़े जुड़े हमें नहीं मतलब, लेकिन हमें ये देखना है कि हैलोजन जिसके साथ जुड़ा उसका sp3 है कि नहीं है। तो हैलोजन जिसके साथ जुड़े हैं उसका तो sp3 है, यू तो सिंगल बॉन्ड ही बना रहे हैं, तो इसका क्या होगा, sp3। इस कार्बन का क्या होगा, sp3 होगा। इसका sp3 कैसे हुआ, क्योंकि इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी, और दो हाइड्रोजन है वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े, तो इसका क्या हो जाएगा, sp3। इसका एग्जाम्पल देखिये, वहां से लिखा हुआ फिर भी मैं और अच्छे से लिख देती हूँ। बेंजीन रिंग है आपकी, इसके साथ अगर sp2 है और इसके साथ कोई हैलोजन है तो ये इसका संरचना हो जाएगा, है ना, कि सॉरी sp2 नहीं, CH2, ठीक है ना, CH2 होगा, और इसका संकरण क्या होगा आपका sp3, है ना। तो इसका sp3 हुआ, और इसके अंदर जो आपका सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसका क्या है, sp3 है। तो बेंजीलिक हैलाइड क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा कि हैलोजन परमाणु, ऐसे जो बेंजीन रिंग से जुड़े या एरोमेटिक वाले से जुड़े कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसका संकरण sp3 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर बेंजीलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड में समझ में आया कि एलिलिक हैलाइड के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि इसके पास वाले का sp2 होता है, इसके अंदर भी इसके पास वाले का sp2 है, बट ध्यान ये रखना है कि ये ओपन चेन है एक तरीके से। और देखो अगर सर्कल में भी होगा, इसका एलिलिक हैलाइड का और एग्जाम्पल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये भी एलिलिक ही है, क्योंकि इसके साथ कार्बन, इसका संकरण देखें तो ये इधर बॉन्ड बना रहा है, इधर बॉन्ड बना रहा है, और दो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े होंगे जो सिंगल बॉन्ड से हैं, तो सिंगल बॉन्ड से तो sp3। इसके पास वाले का क्या है, sp2 है। और हमें देखना है कि अगर कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा उसका पास वाला डबल बॉन्ड है तो वो कैसा हो जाएगा, एलिलिक, और अगर इधर दोनों साइड में लग जाएगा तो बेंजीलिक। लेकिन यहाँ पे अगर ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन नहीं है ना अभी तक ये, तो किसके अंदर आ जाएगा, एलिलिक हैलाइड के अंदर, है ना। ये भी एलिलिक के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसके इधर वाला मान लो, चाहे इधर वाला मान लो, ये भी एलिलिक के अंदर ही आएगा, एलिलिक। याद ये रखना है कि जिस कार्बन के साथ आप हैलोजन को जोड़ रहे हो वो sp3 होना चाहिए, बट उसके पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ये जरूरी कंडीशन है कि पास वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर पास वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तभी वो एलिलिक के अंदर काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमने 1 डिग्री 2 डिग्री पढ़ा, इनमें भी ये इसका sp2 ही है, sp3 ही है, इसमें भी इसका sp3, इसका sp2 है, ठीक है। ये दो कार्बन, इसका भी sp3 है, ये सारे sp3 है, इसके अंदर तो सारे sp3 ही है, है ना, तो सारे sp3 हैं, बट इनमें डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो इनको हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, लेकिन हैलोजन उससे जुड़ नहीं रहा, हैलोजन उसके पास वाले कार्बन से जुड़ रहा है जिसका संकरण sp3 है, ठीक है। तो sp3 वाले हो गए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और एलिलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड, चार विशेष प्रकार के हैं ये, एलिलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड, आगे मैं पढ़ाऊंगी वाइनलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड, ये चार विशेष प्रकार के आपके हैं, इन चारों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो जहां से वीडियो स्टार्ट हुई है वहां से दोबारा क्लिक करिए और दोबारा देखिए, फिर समझ में आएगा, मैं बता रही हूँ, है ना। तो हम लोगों ने दो पढ़ ली है, sp3 हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि जो sp2 वाला है, यानी जिसके अंदर संकरण क्या होगा, sp2 होगा, उसका हम लोग कैसे करेंगे। तो
तो उसके अंदर तो देखिए दो ही आएंगे, इसके अंदर दो कौन कौन से आते हैं देखिए, इसके अंदर दो आते हैं आपका, एक आता है वाइनलिक हैलाइड और एक आता है आपका एरिल हैलाइड। तो पहले हम पढ़ते हैं वाइनलिक हैलाइड के बारे में। वाइनलिक हैलाइड के बारे में पढ़ते हैं। अब वाइनलिक हैलाइड क्या होता है कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हो तो एलाइलिक, अगर पास वाले से ना जुड़ के उसी पर जुड़ गया हो तो वाइनलिक। आपको इतना तो समझ आ गया कि वाइनलिक पढ़ रहे इसका मतलब sp2 के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो हैलोजन होता है, हैलोजन जो होता है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। हैलोजन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, इतना तो चीज हमें क्लियर हो गया। अब sp2 संकरित कार्बन से कैसे जुड़ा होगा, तो वहां पे हम लोग पास वाला कार्बन ले रहे हैं तो पास वाले को कर दो गायब, सीधा बचा आपका डबल बॉन्ड वाला, उसी से आपको क्या करना है हैलोजन जोड़ना है। तो अगर पास वाले को हटा दिया, डायरेक्टली उस पे हैलोजन जोड़ दिया, दैट इज वाइनलिक हैलाइड। तो वो क्या बन जाएगा आपका, वाइनलिक हैलाइड बन जाएगा। कई जगह इसका नाम विनाइल हैलाइड भी मिलेगा। तो वाइनलिक हो चाहे विनाइल हो बात वही है, क्या कि जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड युक्त यौगिक से ही हैलोजन जुड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे संकरण कैसा होगा sp2। समझेगी नहीं, समझ गए ठीक है। अब इनकी वैलेंसी पूरी करो, कार्बन की वैलेंसी 3 है तो 4 हो गई, इसकी वैलेंसी 2 है तो 4 हो गई, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CHX इस प्रकार का हैलाइड है, वाइनलिक हैलाइड है ना। अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, हो गया। अब देखना इसमें, देखना आप लोग इसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका sp2 है, इसका भी sp2 ही है, इससे अगर हैलोजन जुड़ा है तो ये कैसा हो जाएगा आपका, वाइनलिक हैलाइड ठीक है। ये कैसा हो जाएगा आपका, वाइनलिक हैलाइड। तो वाइनलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि sp2 संकरित जो कार्बन है उसी से आपको डायरेक्टली हैलोजन जोड़ देना है, तो वो आपका बन जाएगा वाइनलिक हैलाइड। नेक्स्ट बात करें हम लोग एरिल हैलाइड की। एरिल हैलाइड देखो क्या होता है, एरिल हैलाइड के अंदर क्या होता है, अगर आपका हैलोजन परमाणु वही sp2 संकरित से जुड़ेगा, ये तो आप गांठ बांध लो कि ये हमें पढ़ा रहे sp2 में, इसका मतलब हैलोजन परमाणु sp2 संकरित से जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका हैलोजन जो परमाणु है, जो हैलोजन परमाणु है वो किससे जुड़ा रहेगा, sp2 संकरित कार्बन से, sp2 संकरित कार्बन से ठीक है। ये तो आप लोग को समझ आ गया है ना, ये बात तो हो गई मैडम आगे। अब आगे ये है कि हैलोजन परमाणु जो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे जो sp2 ये भी है तो इसमें क्या अंतर होता है कि यहाँ पे क्या आ जाती है, एरोमेटिक वलय, और उससे डायरेक्टली अटैच होगा। एलिलिक में वहां पे जो डबल बॉन्ड था उसके पास वाले कार्बन से जुड़ रहा था, हमने उस पास वाले को हटा दिया और उसे जोड़ लिया, तो ये तो हो गया एलिलिक से वाइनलिक बन गया है ना। अब बेंजिलिक से एरिल कैसे बनेगा,
कि बेंजीनिक में हम लोग बोल रहे थे कि इसके जो पास वाला जो कार्बन है उससे हैलोजन जोड़ा है ना, लेकिन यहाँ पे एरिल के अंदर क्या हो जाएगा कि जिस कार्बन के ऊपर ये है sp2 वाला उसी के ऊपर आपका हैलोजन जोड़ दिया आपने, ठीक है, और कहीं ज्यादा खपत करी नहीं है। यानी कि जैसे मान लो बेंजीन पे आपने क्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरोबेंजीन, तो ये कैसा हैलाइड है? एरिल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका संकरण अगर हम देखें इस कार्बन का तो sp2 है। क्यों है sp2? क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी दोनों डबल बॉन्ड से हैं, ये भी दोनों डबल बॉन्ड से हैं, अल्टरनेशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एरोमेटिक कंडीशन देखो, मैंने जब आपको 11th में स्टार्टिंग के अंदर क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया भी था कि एरोमेटिक यौगिक होते हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। मॉलिक्यूलर शुड बी इन प्लेन, मतलब एक प्लेन में होना चाहिए यौगिक, जो भी आपका कंपाउंड होता है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है? देयर शुड बी साइक्लिक, वो साइक्लिक होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन हमने बोला था कि वो जो रूल होता है क्या, 4n+2π वाला रूल, उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो अगर उसको फॉलो कर रहा है इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अगर नहीं कर, और सारे कार्बन, अच्छा एक और चीज आई थी कि जितने भी कार्बन हैं उन सभी कार्बन का संकरण sp2 होना चाहिए। अगर एक कार्बन का भी sp3 हो जाता है तो वो उसके अंदर काउंटिंग नहीं होगा एरोमेटिक के अंदर। और ये मैंने अब मेरे फर्स्ट क्लास के अंदर जब क्लास कर ली थी मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपकी, तब मैंने आपको समझाया था अच्छे से, 2-3 दिन यही चीजें क्लियर हुई थी, नॉमेनक्लेचर और ये सभी, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको याद आ गया होगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो देखिए ये एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक के जो ये कार्बन है ये sp2 है, तो इस sp2 संग्रहित कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा है तो वो आपका आ जाएगा एरिल हैलाइड में, ठीक है। तो चार प्रकार के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो आपके टॉपिक रहने वाले हैं, एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इनको अच्छे से समझ लेना। चार ही प्रकार के हुए हैं, एलिलिक हैलाइड में डबल बॉन्ड से जुड़ा पास वाला कार्बन जिसका sp3 होगा उससे हैलोजन जुड़ेगा, है ना। और अगर हम बात करें बेंजीलिक की, तो बेंजीलिक के अंदर क्या होगा कि जो बेंजीन रिंग है उसके पास जुड़ा sp3 वाला उससे हैलोजन। तो वाइनिलिक में हम पास वाला हटा देते हैं, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जोड़ देते क्योंकि sp2 में ही आता है। फिर अगर हम एरिल की बात करें तो उसमें भी पास वाला हटा देते, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जोड़ देते क्योंकि इसके अंदर भी sp2 आता है, ठीक है। तो ये चार प्रकार के हैं, बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत ही इजी चीज है, कुछ हार्ड नहीं है, है ना, फिर भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इनसे, ठीक है ना। लास्ट ईयर के जैसे मैं आपको पेपर दूंगी तो आपको पता चलेगा एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि इतना इजी क्वेश्चन अगर आपके आ जाता है तो, है ना, तो आपका बहुत ही मतलब अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। चारों प्रकार के हो गए, है ना, तो हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं CX बॉन्ड का नेचर। CX बॉन्ड का मीन्स क्या है, यानी कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इस बॉन्ड का नेचर क्या होगा। जैसे कि मान लो ये तीन इसके साथ तो ऑब्वियसली बात है जुड़े ही जुड़े हैं, है ना, कार्बन की वैलेंसी चार है, एक के साथ तो हैलोजन जुड़ा, बाकी को तीन के साथ तो जुड़े रहेंगे ना कुछ ना कुछ, तो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं वैसे तो, ठीक है। तो इसके अंदर हम इस बॉन्ड का नेचर देख रहे हैं, इस बॉन्ड का, तो यहाँ पे आप लोग पहले ये देख रही है बॉन्ड का नेचर हम लोग कैसे देखते हैं, उसके साथ जुड़े हुए एटम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना, क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता, क्या इसको विद्युत ऋणता भी बोल सकते हैं ना, विद्युत ऋणात्मकता तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। तो विद्युत जो ऋणात्मकता है वो जो आपकी होती है, अगर जिस कंपाउंड की ज्यादा होती है तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेता है, इसका मतलब यही तो होता है ना। और आपको पता होगा पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो होता है फ्लोरीन,
है ना, तो जितने भी हैलोजन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। तो जितने भी हैलोजन है वो सारे विद्युत ऋणी होंगे, है ना। तो यानी कि ये इनमें क्या कैपेसिटी होती है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बॉन्ड बन रहा है, इधर एक एटम है इधर एक एटम है, ये दोनों की साझेदारी से बन रहा अभी तक तो, है ना। लेकिन अगर ये साझेदारी से कब बना रहेगा, जब दोनों तरफ कार्बन हो। अगर मैं एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ फ्लोरीन ले लूं, एक तरफ मैंने हाइड्रोजन ले लिया एक तरफ फ्लोरीन ले लिया, तो अब ये बराबर बात थोड़ी ना रही है। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता तो बहुत ही कम है और 2.3 समथिंग होती है, फ्लोरीन की तो बहुत ज्यादा होती है। तो क्या करेगा फ्लोरीन, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाने में काम में आ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खींच लेता है और उसके बाद उस पर कैसे चार्ज हो जाता है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे कैसे चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव। तो देखा होगा आपने HCl तोड़ते हम लोग, तो कभी भी ऐसे देखते हैं कि H पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, Cl पे एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं तोड़ते ना, हमेशा कैसे तोड़ते हैं, H पॉजिटिव में टूटता है और क्लोरीन नेगेटिव में टूटता है। तो इसी टाइप से आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अगर कार्बन और हैलोजन की प्रकृति की अगर बात करें बॉन्ड नेचर की, तो यहाँ पे जो हैलोजन जुड़ा हुआ है आपका वो कैसी प्रकृति का है, अधिक विद्युत ऋणी है। इस कार्बन से क्या है, अधिक विद्युत ऋणी। कार्बन की विद्युत ऋणता होती है लगभग 2.6 के अप्रोक्स होती है और हैलोजन की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचेंगे। वो होता ना एक गेम होता है रस्सी वाला, उसके अंदर जैसे अगर दोनों साइड बराबर जैसे इंसान लगे हो, है ना, तो थोड़ा वो रहता है कि पॉसिबिलिटी कौन जीते कौन क्या हारे ना। बट हमने ऐसे ही कर लिया, इधर एकदम से पतला सा इंसान और इधर एकदम से तगड़ा वाला मतलब मोटा सा, तो आपका रिजल्ट पहले से ही होगा। तो आप लोग क्या श्योरिटी बताओगे कि बी एस इधर ही जाने वाली है, तो ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा होगा तो यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जैसे इनके पास इनमें नेचर कैसा जाता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और कार्बन के ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव किस वजह से आया, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, जबकि इसकी कार्बन की विद्युत ऋणता बहुत कम है, इसलिए अपने तरफ इसके बिल्कुल टेंडेंसी नहीं बचती है कि इसके कंपैरिजन में खींच ले, बाकी तो फिर भी खींच ले, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो खींच नहीं सकता। तो इसलिए क्या होता है, इसका बॉन्ड क्या बोल सकते हैं, पोलर इन नेचर, बॉन्ड ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। कैसी प्रकृति का हो जाता है, ध्रुवीय। ध्रुवीय कैसे हुआ कि यहाँ पे दो पोल्स बन गए, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव।